खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण से है, जहां पर जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लांबिया ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के आगमन पर लांबिया में लगननाजी महाराज के धुना पर योगी लक्ष्मण नाथजी महाराज के सानिध्य में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ का लांबिया आगमन पर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर लखड़ना जी महाराज के धुना पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान मंच पर अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मंच पर लगे बैनर में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की फोटो नहीं होने को लेकर क्षेत्र में और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के माननीय महिमा कुमारी जी, आज इस लांबिया की पवित्र धारा के ऊपर आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। आज इस पवित्र भूमि के ऊपर विराजमान हमारे योगी के नाम से विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध, जिसका नाम पूरे क्षेत्र में भाव और प्रेम और भक्ति और संतों की प्रेरणा से गुजरता हुआ वो योगी संत श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज और हमारे बीच में विराजमान जो जन सेवा से लंबे समय से रेगुलर पार्टी के प्रति त्याग तपस्या और किसान वर्ग की मदद हमेशा करते आ रहे हैं, चेयरमैन पाली के माननीय श्रीमान कुशवंत सिंह जी ठाकुर साहब, और हमारे बीच में जो हम सबके दुख सुख में खड़े होते हैं हमेशा प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देकर के सही दिशा तय करवाने वाले भाई राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय महेंद्र सिंह जी कुमाऊ साहब, और हमारे साथ में विराजमान हमारे भाई जो संगठन से जुड़े हुए लंबे समय से भाई समाज सेवी रमेश जी चेयरमैन साहब, और हमारे बीच में विराजमान पूर्व प्रधान साहब दादा साहब, हमारे बीच में पिंटू बना, हमारे बीच में हथिये के साथ में जुड़े हुए भाई कान सिंह जी हिंदा साहब, जिसकी तार ढूंढती है इस पूरे क्षेत्र के अंदर वो कान सिंह जी हिंदा साहब, और इस मंच के ऊपर जितने भी विराजमान है नाम होगा तो लंबी लिस्ट जारी हो जाएगी, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिवेश सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, और हमारे भाई जो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है ऐसी मोर्चा के भाई महेंद्र सिंह जी मैंगोसी साहब जिलाध्यक्ष ऐसी मोर्चा के, और इसके साथ में आप किसी की और संतोष जी वैष्णव साहब, और इस क्षेत्र के अंदर सत्यता का उजागर करने वाले मेरे पत्रकार बंधु और भाई और बहनों, मैं आप सभी को और आप सभी को हमारे बीच में विराजमान देवभूमि के जनता सनातन, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आपने महिमा कुमार जी की एक आवाज और मोदी जी के मिशन को जिन्होंने एक आवाज पूरे देश में दी और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर के आप तैयार हो गए हैं, ऐसी खुशखबरी भाई और बहनों वो मेवाड़ की धारा रही है जिन्होंने ताक तपस्या और बलिदान के साथ में हमेशा वीरता के साथ में झंडा तिरंगा लेकर के कोई निकलता है तो बड़े बड़े युद्धों में जाते हैं और भारत माता की जय जयकार करता हुआ भारत का नागरिक रूप से निकलता है, ऐसी पार्टी के हम लोग का सदस्य बनने जा रहे हैं, इससे बड़ा क्रांति हो नहीं सकता है, समय का अभाव है, समय कम है। माननीय सांसद महोदय, हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं को समाधान करने के लिए आपने लंबा त्याग भी किया है और हम लोग पार्टी अभी
लेकिन वो तो नारेबाजी होनी थी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ।